बुद्धि इंटेलिजेंस की परिभाषा है ट्रिक के साथ। मित्रों बहुत ही अब आसान है कि बुद्धि की जो परिभाषाएं हैं, कम से कम यहाँ पे आपको 11 महत्वपूर्ण परिभाषाओं को याद करने की ट्रिक बताई गई है, जिसके साथ साथ बुद्धि की 11 यानी 11 महत्वपूर्ण परिभाषाओं को याद कर सकेंगे, जो यूपी टेट या सी टेट या नेट की परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती रहती है। तो आइए देखते हैं कौन सी ट्रिक है। बुड्रो बूथ कहाँ पर सेटल हो कल, इस एक लाइन की सहायता से हम 11 माने 11 परिभाषाओं को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। मित्रों नमस्कार, आइए देखते हैं सबसे पहले कि बुद्धि क्या है, तो इसके बाद इसकी हम परिभाषाओं को देख लेंगे। बुद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः प्रज्ञा प्रतिभा ज्ञान एवं समझ के अर्थों में किया जाता है, और यह वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। तो आइए देखते हैं मित्रों इसकी कौन कौन सी परिभाषाएँ हैं। और बुद्धि की परिभाषाएँ यहाँ पर ट्रिक देखते हैं, बुड्रो बूथ कहाँ पर सेटल हो कल, तो यहाँ पर जो दिया है ये एक लाइन का ट्रिक, इसके साथ से हम 11 परिभाषाओं को याद कर सकते हैं। यहाँ देखिए बुड्रो से एक, बूथ से दो, और कहाँ से दो, और पर से दो, और सेटल से दो, और हो और कल से हम एक एक परिभाषा, कुल मिला के 11 परिभाषाओं को यहाँ पर आसानी से लर्न करेंगे और बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, बहुत ईजी है। तो यहाँ देखिए बुड्रो साहब ने क्या बोला है, एक शिक्षाविद हैं, इन्होंने कहा बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि क्या है, ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। सेकंड बूथ में, सेकंड बूथ से है बुडवर्थ, यहाँ पे बुड से नहीं मतलब है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ ने क्या कहा, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। नेक्स्ट था बूथ में, था से थार्नडाइक, सत्य तथा तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। थार्नडाइक साहब ने क्या बोला है, सत्य तथा तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। नेक्स्ट वन देखते हैं, बुद्ध कहां पर का से काल भी यहां पे दिया हुआ है, यदि व्यक्ति अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। कालविन साहब ने क्या बोला है, यदि व्यक्ति अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। कहाँ में, हा से हिनमान, हिमान साहब ने क्या बोला है, बुद्धि में देश तत्व होते हैं, बुद्धि में क्या होते हैं, देश तत्व होते हैं, ज्ञान की क्षमता इसमें निहित होती है, ज्ञान की क्षमता इसमें क्या होती है, निहित होती है। नेक्स्ट दिया है पर पास पिंटर, यहाँ पे दिया है लर्न करने का हमको समझना है, जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। पिंटर साहब ने क्या बोला है कि जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। राज से देखते हैं, यहाँ से राज से एक नए साइंटिस्ट हैं रायवर्न, इन्होंने क्या कहा है बुद्धि की परिभाषा के संबंध में, बुद्धि के बारे में, बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। बुद्धि कैसी शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। कहाँ सेटल हो कल, देखिए उसने का यहाँ पे बचा हुआ शेष भाग क्या है, कहाँ के बाद सेटल हो कल, तो शेष से आपको स्टर्न याद करना है। बुद्धि व्यक्ति की वह सामान्य योग्यता है, स्टर्न साहब क्या बोल रहे हैं, बुद्धि व्यक्ति की वह सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा वह सचेत रूप से नवीन आवश्यकताओं के अनुसार चिंतन करता है, जिसके द्वारा वह सचेत रूप से नवीन आवश्यकताओं के अनुसार चिंतन करता है। टल सेटल में, टल से है टर्मन, बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। बुद्धि क्या है, अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। नेक्स्ट है हो कल, हो से आपको यहाँ पे हनुमान लर्न करना है, बुद्धि के मुख्य तत्व होते हैं, हनुमान जी ने बुद्धि के बारे में क्या बोला है, बुद्धि के मुख्य तत्व होते हैं, ज्ञान की क्षमता इसमें निहित होती है, या ऐसा कह सकते हैं बुद्धि के मुख्य तत्व होते हैं ज्ञान की क्षमता एवं निहित ज्ञान, ये ज्ञान के बुद्धि के दो मुख्य तत्व हैं, ज्ञान की क्षमता एंड सेकेंड वन है इसमें निहित ज्ञान। नेक्स्ट है कल, तो कल से यहाँ पे कालविन, कल से हम कालविन लर्न कर सकते हैं, यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है। मित्रों यहाँ ध्यान दें,
इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमें बुद्धि के सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत, द्वि कारक, बहुकारक या बुद्धि बहुबुद्धि, तरल ठोस बुद्धि या बुद्धि के जितने भी सिद्धांत हैं और मानसिक योग्यता से संबंधित हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल को देखते रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दो चीज़ें बताएंगे कि 140 या 120 या जो अलग अलग बुद्धि वर्ग के लोग हैं या हम मानसिक आयु कैसे निकालते हैं, उस वीडियो में देख सकेंगे। लास्ट में देखते हैं कल, कल से है आपका कालबिन। यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है तो उसमें बुद्धि है। कालबिन साहब ने क्या बोला, यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है तो उसमें बुद्धि है। तो एक बार ट्रिक को फिर से देख लें, इस ट्रिक को आप लर्न करके इन सभी साइंटिस्टों को याद कर सकते हैं। कभी कभी ये परिभाषाएँ दे दी जाती है या इन साइंटिस्ट का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है ये किससे संबंधित है, बुद्धि की, बुद्धि से संबंधित है या बुद्धि की परिभाषा, इनमें से कौन सी परिभाषा इनसे संबंधित है। तो आप यहाँ आसानी से इसकी सहायता से इन सभी परिभाषाओं के शिक्षाविदों को या जिन्होंने परिभाषा दी उनका नाम याद कर सकते हैं मन में रिवाइज करके। तो धन्यवाद मित्रों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।